हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी रोज शाम को सीरीज चल रही है। शाम को पूरे 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी हमने सीरीज की है, जो भी हमारी वीडियो आई है, वो हमने KVS के क्वेश्चन पे की थी, जो लेटेस्ट पेपर आया है। और अभी जो हम वीडियो स्टार्ट की है, वो हमने की है NVS के पेपर में, जो भी लेटेस्ट लास्ट टाइम NVS का नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सेड अबाउट द बॉडी, बॉडी के बारे में उन्होंने कहा था, अ गुड सर्वेंट टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी इन ऑर्डर टू ऑबे द मास्टर। तो हमने ये कैसे याद रखना है, ये थिंकर था जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, वो थे एरिस्टोटल। अब हमने याद कैसे रखना है, देखो, अ गुड सर्वेंट, जो एक गुड सर्वेंट है वो क्या करता है, टोटल रखता है, पूरा हिसाब किताब रखता है अपने मालिक के हर चीज का। तो क्या है, अ गुड सर्वेंट जो है वो उनकी अपने मालिक की हेल्प करता है, अच्छे से पूरा टोटल रखता है उनके हिसाब किताब का। तो इससे याद रखना, गुड सर्वेंट कौन होता है, जो टोटल रखता है, तो उससे याद रखना है एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले नॉट को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो, फिजिकल डेवलपमेंट तो है, मोटर डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, ये हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होती है बिकॉज जब हम खेलते हैं उसमें टीम मेंबर्स भी होते हैं, उससे हम सोशली डेवलप करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट भी होती है। मोटर डेवलपमेंट तो होती है क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क करते हैं अच्छे से। देन फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर थर्ड आएगा, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय फिजिकल एजुकेशन, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो फिजिकल एजुकेशन फुलफिल नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, रिकॉग्निशन, पीयर एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन या फिर न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेशन जो है वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करना है। पीयर एक्सेप्टेंस, जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे नेबर में जो बच्चे हैं हमारे साथ खेलते हैं, पीयर एक्सेप्टेंस, तो उनके साथ हम कैसे हैं। देन रिकॉग्निशन, एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं हम, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोशली हैं, बट न्यूरोमस्कुलर ये सोशली नहीं है। तो इसका आंसर फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अटैच्ड विद बोन्स, कौन सी मसल जो है वो बोन के साथ अटैच रहती हैं। अब देखो जैसे आपको पिक में नजर आ रहा होगा, सबसे पहले दिख रहा है आपको स्केल्टन मसल। स्केल्टन मसल में क्या बोला है, जो फाइबर्स होते हैं इसके वो स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब इसमें ये स्ट्रिप्ड की तरह होते हैं, इसमें लाइन्स होती हैं बीच में, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है लाइन्स है बीच में, मतलब स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, तो इसको स्ट्रेटेड भी बोलते हैं। देन टेबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। देन नेक्स्ट वॉलेंट्री होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो स्केल्टन मसल है वो वॉलेंट्री हम उनको फोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हम जो हमारा बाइसेप्स का मसल है वो हम वॉलेंट्रली उसको कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, स्केल्टन मसल। नेक्स्ट, यूजली अटैच टू स्केल्टन, मतलब बोन्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल, तो ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ, जैसे नाम से पता चल रहा है स्मूथ है, कोई लाइन नहीं है इनके बीच, ठीक है। देन आता है स्पिंडल शेप होती है इसकी एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। अब जैसे फोटो में दिख रहा है आपको एक न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी एक मसल के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। देन इनवॉलेंट्री होते हैं ये, क्यों, फॉर एग्जांपल ये कहां होते हैं स्मूथ मसल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं। नेक्स्ट, यूजली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो भी सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे उनकी वॉल्स को कवर करते हैं, ये स्मूथ मसल। देन लास्ट आता है कार्डिक मसल, जो कि ये भी स्ट्रेटेड होता है जैसे कि स्केल्टन मसल होते हैं, और ब्रांच्ड होता है। देखो जैसे फोटो में एक जगह से दूसरी जगह इसकी ब्रांच निकली हुई है, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड कैसे होते हैं, मतलब ये इनकी ब्रांचेज में अलग अलग न्यूक्लियस है, बट एक में एक ही न्यूक्लियस है। देन ओनली कवर द वॉल ऑफ हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में ही होते हैं, इसलिए इसका नाम कार्डिक मसल है। तो इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा कि कौन से बोन के साथ अटैच होते हैं, तो वो होते हैं स्ट्रेटेड मसल यानी कि स्केल्टन मसल। नेक्स्ट आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज डज स्टैटिक कंट्रैक्शन अकर, कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज में स्टैटिक कंट्रैक्शन जो है वो होती है। स्टैटिक कंट्रैक्शन मतलब कि हमारी जो मसल की लेंथ है वो सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो वो मैंने आपको पहले भी वीडियोज में ट्रिक बताई है, क्या है आइसो का मतलब क्या होता है, सेम आइसो, इसमें भी है इसमें भी आइसो है, तीनों का मतलब क्या है, सेम। देन एम से मैट्रिक, एम से मसल, जो मसल की लेंथ है वो सेम रहती है, तो आंसर सेकेंड आएगा
आएगा स्टैटिक कंट्रैक्शन, क्योंकि इसमें मसल की लेंथ सेम रहती है। देन आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक, टी से टोनिक, टी से टेंशन, जो मसल में टेंशन पड़ रही है वो सेम रहती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। तो जो काइनेटिक होती है इसमें स्पीड सेम रहती है, काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, तो इसमें स्पीड सेम रहती है क्योंकि ये हम मशीन के साथ करते हैं, तो जो चीज़ हम मशीन के साथ कर रहे हैं उसमें हमारा जो स्पीड है वो इक्वल रहता है। तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती है ये आपको पता है जंपिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज फटीग कॉज्ड बाय हायर लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब कौन सी इसमें से एक्टिविटी है जिसमें लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा बनता है। तो 400 मीटर रन, 10 माइल क्रॉस कंट्री रन, 1500 मीटर रन या फिर 800 मीटर रन। अब देखो लैक्टिक एसिड किसमें बनता है, एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसमें हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एनारोबिक वो एक्सरसाइज होती है, और एरोबिक होती है जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में एक्सरसाइज करना एनारोबिक कहलाया जाता है और उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। और एनारोबिक इसमें से कौन सी है, इसमें से 400 मीटर रेस जो है वो एनारोबिक है, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो होती है। ये तो हमें सभी को पता है, हम सांस ले रहे हैं तो वो लंग्स में एक्सचेंज होती है, लंग्स में सांस जाती है तो वहां पे एक्सचेंज होती है, ये तो आंसर सभी को पता होगा, इसका फोर्थ है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक अरेंज करना है हमें एक सीक्वेंस में। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो सबसे पहले नोस्ट्रिल आती है हमारी नाक, जहां से हम सांस लेते हैं, तो उसके ऊपर आ जाती है नेसल कैविटी, देन उसके नीचे आ जाती है फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के बाद हमारी ब्रॉन्चीज आती है। तो इस सीक्वेंस को आप देख लो, सबसे पहले आता है फायरिंग्स, देन उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, तो हमारा आंसर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसमें स्टोमिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन है, स्किन से आपको पता है गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग होती है स्किन से, वो स्किन जो है वो एक्रीशन का काम करता है, एक्रीट क्या कर रहा है, हमारी स्वेटिंग है वो। देन उसके बाद आता है लंग्स, लंग्स तो एक्सक्रीशन करता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब गैस एक्सचेंज होती है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। देन किडनी, किडनी तो आप सभी को पता है ये तो एक्सक्रीशन का काम करती ही है, ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन, कौन सा ग्लैंड है जो सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड और पैराथायराइड तो हमारे ऊपर होते हैं, ये तो नहीं है। उसके बाद एड्रिनल मेडुला, ये तो हमारी किडनी के पास होता है, ये भी नहीं है। जो इसका आंसर है वो है थर्ड, गोनाड्स। ये गोनाड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं।